Realme का 12X 5G ईटा भी लॉन्च हो चुका है और फोन का जो प्राइस है ये भी आपको जचने वाला है। पहले लॉन्च हुआ था मोटो का G34 5G, ये भी काफी दबा के बिक रहा है। दोनों ही फोन 5G वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से साफ शुद्ध शब्दों में मैं आपको बताऊंगा आपके लिए कौन सा फोन बड़ा है। बस वीडियो में एक लाइक आ जाए, चैनल में पहली बार पधारे हैं भाई सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा। देखिए आपको एक बात का ख्याल रखना होगा, मोटो के G34 5G में आगे की तरफ कोई भी पहले से पतली वाली पॉलीथीन नहीं लगी हुई है, कृपया करके टेम्पर ग्लास पक्का लगवा लीजिएगा। लेकिन रियलमी के फोन में पहले से यार प्री अप्लाइड पन्नी लगी हुई है, आपको तुरंत नहीं लगवाना पड़ेगा। बॉक्स के अंदर दोनों ही फोनों में बैक कवर मिल जाता है, आपको बैक कवर और टेम्पर्ड ग्लास के बिना कोई भी फोन यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कुछ ऐसे फीचर मिलते हैं जो दोनों फोन को खास बना देते हैं, मोटो कनेक्ट रेडी फॉर PC, सिक्योर फोल्डर जैसे आपको विकल्प देखने को मिल जाते हैं मोटो के G34 5G में। इधर उधर वाली कोई भी आपको एप्लीकेशन नहीं मिलती है। अभी एंड्रॉइड 14 में ये फोन बेस्ड है, अगला एक एंड्रॉइड का वर्जन आपको और मिल जाएगा, मतलब 15 तक फोन चला जाएगा, 30 साल का सिक्योरिटी पे। लेकिन अपडेट के मामले में मोटो वाले तनिक सा स्लो है, सामने वाले की कॉल को भी आप बिना बताए नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे क्योंकि गूगल का ही डायलॉग मिलता है। जो Realme का 12X है ये भी आया है एंड्रॉइड 14 के साथ, दो एंड्रॉइड के वर्जन यहां पर आपको मिलेंगे, 3 साल का सिक्योरिटी पैच, अपडेट भी है। Realme वाले जल्दी जल्दी से देते रहते हैं, लेकिन इधर उधर वाली एप्लीकेशन आपको पक्का देखने को मिलेगी, सामने वाले की कॉल को भी आप बिना बताए रिकॉर्ड कर पाएंगे, बस आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ओ डायलर। एयर जेस्चर वाला फीचर बड़ा ही बिंदास है, बड़ा ही अलग है। यहाँ पर आप यार ये जो पावर बटन है ना इसको डायनेमिक कर सकते हैं, मतलब तरह तरह के फीचर इसमें आप ऐड कर पाएंगे। यूआई में कोई ग्लिच नहीं है, सही से काम कर रहा है। यदि आपको बिल्कुल क्लीन यूआई लेना है तो आपके पास है मोटो का G34 5G, आपको ब्लोटवेयर से कोई टेंशन नहीं है, तो भैया आप जा सकते हैं रियलमी के फोन में। और यहाँ पर आपको एक एंड्रॉइड का वर्जन एक्स्ट्रा भी मिलेगा, मतलब फोन 14 में आया है 15-16 तक चला जाएगा। वैसे 10,000 रुपए के हिसाब से स्नैपड्रैगन का 695 काफी गजब का प्रोसेसर है मोटो के G34 5G में। 2023 में बहुत बार इस प्रोसेसर को रगड़ा गया है, बहुत सारे फोनों में ये प्रोसेसर आया है। और जो Realme का 12X है यहाँ पर MediaTek का Dimensity 6100 प्लस वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। बेंचमार्क स्कोर में बहुत बड़ा वाला गैप नहीं है, दोनों ही फोनों में कोई भी मेजर हीटिंग इश्यू का भी आपको सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही फोन थ्रॉटल होता है। UFS 2.2 का आपको स्टोरेज प्रदान किया गया है। गेमिंग के मामले में 12,000 रुपए के हिसाब से मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है MediaTek का Dimensity 6100 प्लस। अल्ट्रा सेटिंग में जाके आप BGMI का आनंद दोनों ही डिवाइस से उठा सकते हैं। लेकिन नेटफ्लिक्स में दोनों ही फोनों में आपको HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है, बट यूट्यूब में यार 1440 तक के वीडियो आप प्ले कर पाएंगे Realme के 12X पे। और जो मोटो का G34 5G ना यहाँ पर आपको केवल विकल्प मिलता है 1080p तक, दोनों फोनों में YouTube में HDR वाले वीडियो आप नहीं प्ले कर सकते। जिनको परफॉर्मेंस चाहिए तो भैया आपके पास है Realme का 12X और जो Snapdragon का 695 है 10,000 रुपए के हिसाब से, बहुत ही पावरफुल वाला प्रोसेसर है। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की। मोटो का फोन यार काफी लाइट वेट है, केवल 180 ग्राम वीगल लेदर के साथ आ रहा है, बहुत ही कॉम्पैक्ट वाला डिजाइन है। कैमरे का जो बम्प है ये भी तनिक सा बाहर नहीं निकला हुआ है, देखने में फोन बैक से आपको काफी सुंदर दिखेगा। लेकिन आगे की तरफ 120 हर्ट्ज का HD प्लस वाला ही डिस्प्ले है। आउटडोर की जो ब्राइटनेस है वो है 500 निट्स की। नीचे वाली जो चिन है ये Realme के फोन से तनिक सी आपको बड़ी सी लग सकती है, लेकिन डिजाइन के मामले में मोटो का G34 5G 10,000 रुपए में नंबर 1 वाला मैं कह सकता हूँ। जो Realme का 12X 5G है यहाँ पर आगे की तरफ 120 हर्ट्ज का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले है, मतलब डिस्प्ले काफी क्रिस्पी है, काफी अच्छा वाला है। आउटडोर की जो ब्राइटनेस है यह है 800 निट्स की, मतलब धूप में Realme का फोन आपको काफी अच्छे से विजिबल होगा। डिस्प्ले में कोई भी कमी नहीं है, जितना पैसा दे रहा है उसके आधार पे डिस्प्ले काफी कमाल का है। बैक का जो डिजाइन है ये भी आपको यार अच्छा लगेगा, हाथ की उंगलियां जल्दी से नहीं छपेगी, मैट वाला फिनिश है। जो कैमरे का मॉड्यूल है ये भी आपको नया फील कराएगा।
भले तनिक सा बाहर निकला हुआ हो, लेकिन बैक कवर जब आप लगाएंगे आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। वैसे दोनों ही फोन बॉक्सी वाले डिजाइन के साथ आते हैं, मतलब डिस्प्ले Realme 12 एक्स्ट्रा काफी बिंदास है, और बैक में आपको चाहिए वीगल लेदर आपके पास है। मोटो का G34 5G, दोनों ही फोनों में 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो बिंदास आपका एक दिन निकाल देगी। बैटरी में कोई भी इशू नहीं है, और बैटरी बैकअप यूजर टू यूजर डिपेंड करता है, लेकिन बॉक्स के अंदर 45 वॉट का चार्जर आपको प्रदान किया गया है Realme के 12X पे, और ये फोन यार 35 मिनट पे 50% के आसपास चार्ज हो जाएगा। और जो मोटो का G34 5G है, बॉक्स के अंदर 20 वॉट के चार्जर के साथ आता है, आपको लगेंगे 100 मिनट इस फोन को चार्ज करने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं चार्जिंग में थोड़ा सा समय लग सकता है। दोनों ही फोनों में नीचे की तरफ हेडफोन वाला जैक मिल जाता है, FM रेडियो चाहिए तो आपके पास है मोटो का G34 5G, और इस फोन में डॉल्बी एटमॉस का फीचर मिलता है। वैसे डबल स्पीकर दोनों डिवाइस में प्रदान किए गए हैं, आवाज सुन लीजिए पहले आप। ये था मोटो का G34 5G। और ये है Realme 12X। स्पीकर में मैंने एक चीज नोट करी, आवाज ज्यादा जो क्लीन है वो है मोटो के G34 5G की, और जो लाउडनेस है ना वो ज्यादा आपको मिलती है Realme के 12X पे। अब बात करते हैं कैमरे की। दोनों ही फोनों में 50+2 मेगापिक्सल का आपको सेंसर प्रदान किया गया है, कोई भी अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर नहीं है। मोटो के G34 5G में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, और जो Realme का 12X है यहां पर 8 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा आपको दिया गया है। दोनों ही फोनों से कोई भी आप 4K वाले वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे, ना ही आपको OIS का सपोर्ट मिलता है। वीडियो को मैं नॉर्मल कह सकता हूं, यदि आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए फोन लेना है कृपया करके किसी और फोन की तरफ जाइए, और फोन का जो प्राइस होगा वो भी पक्का इन दोनों फोन से ज्यादा हो सकता है। दिन में आप जितनी भी फोटो लेंगे, लाइट कंट्रोल में कोई भी कमी नहीं है, कलर को भी सही किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मोटो के G34 5G की फोटो है ये आपको वार्म दिख रही होगी, कलर को तनिक सा पॉपअप किया गया है, और जो Realme का 12X है यहाँ पर फोटो को यार थोड़ा सा चमका दिया गया है। जैसे आप है वैसी फोटो आप देखना चाहते हैं तो आपके पास है मोटो का G34 5G। एक चीज मैं आपको और कह सकता हूँ, दोनों ही फोन यार क्लोज टू नेचुरल वाली फोटो नहीं निकालते हैं, डायनेमिक रेंज सही है, पोर्ट्रेट में जो एजेस है ना ये और ज्यादा शार्प हो सकते हैं दोनों ही डिवाइस पे, और नॉर्मल मोड में 2x वाली फोटो आप क्लिक कर पाएंगे Realme के 12x से। वैसे आप जितना पैसा दे रहे ना उसके आधार पे दोनों ही फोन के कैमरे से आप निराश नहीं होंगे, और मोटो वालों ने यार इस बार 10,000 रुपए में काफी अच्छा वाला कैमरा दिया है मोटो के G34 5G में। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का उपयोग दोनों ही ब्रांड ने किया है, बहुत ही जल्दी से आपका फोन अनलॉक भी हो जाता है। मोटो वाले आपको देते हैं IP52 की रेटिंग, और जो Realme का 12X है यहाँ पर IP54 की रेटिंग प्रदान की गई है। दोनों ही फोनों में कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिलता है, मतलब 4G प्लस कॉल करने में आपको तनिक सा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बहुत सारे 5G वाले बैंड भी आपको दिए गए हैं। अब मुद्दे की बात करते हैं, आपके लिए कौन सा फोन बना है। पॉपअप फोटो ज्यादा पसंद है, स्नैपड्रैगन में ट्रस्ट करते हैं, डॉल्बी एटमॉस का फीचर लेना चाहते हैं, तो आप जाइए मोटो के G34 5G की तरफ। जो Realme का 12X है यहाँ पर आपको गोरा बना दिया जाएगा, फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले के साथ आता है। बैक का जो डिजाइन है ये भी आपको निराश नहीं करने वाला है, 45 वॉट का जो चार्जर है ये भी आपके फोन को फटाफट चार्ज कर देगा, एक एंड्रॉइड का वर्जन आपको इस फोन में एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। मेरे हिसाब से दोनों ही ब्रांड बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं। दोनों फोन का जो प्राइस है ये भी काफी एग्रेसिव है। अब आप बताओ आपको क्या लगता है, Realme 12X वर्सेस Moto G34 5G में कौन सा फोन आगे जा रहा है। अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं वो भी आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस यार जाते थे यही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चमचमाते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।